मोनी डर लग रहा है? हाँ यार। लग रहा है डर? A very good morning guys, welcome back. So guys, हमारी सुबह हो गई है एंड यार कल रात 2 बजे पार्टी ओवर हुई एंड उसके बाद जब मैं एडिटिंग करने बैठा ना यार, पता है मैं सुबह 5:30 बजे सोया भाई, मेरी तो हालत ऐसी हो रखी थी ना, उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ये तो इन लोगों ने मेरे को उठा दिया है। सो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सब डन कर दिया क्योंकि उठते ही ना ऐसे, क्योंकि कल रात को ज़्यादा कुछ खाया नहीं था तो उठते ही ऐसे भूख लग रही थी, तो हमने कहा चलो यार थोड़ा बहुत खाना वाना खा लेते हैं। सो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सब डन हो गया। डियारा कहाँ है? सो चलो डियारा के बर्थडे गिफ्ट्स खोलते हैं जो डियारा को बर्थडे गिफ्ट्स मिले। डियारा कहाँ है? डियारा डियारा बर्थडे गिफ्ट्स खोलें क्या? चलो लेट्स गो, कम कैरी नो। चलो अब थोड़ी देर में खोलती है तो फिर देखते हैं क्या सीन रहता है। सो गाइज अभी हम लोग बैठे हुए थे और प्लान कर रहे थे कि आज क्या करें, क्योंकि मेरी मोनिका की छुट्टी ऑफिस की। सो हमने डिसाइड किया है कि वी आर गोइंग टू वूप ट्रैम्पोलिन पार्क। ट्रैम्पोलिन पार्क, इसने तो अभी से ट्रैम्पोलिन बना दिया यहाँ पे। ट्रैम्पोलिन कौन जाएगा? आप रेडी हो गए हैं ट्रैम्पोलिन पार्क के लिए जाने के लिए, बट ये है कि हम वूप नहीं जा रहे, हम जा रहे दूसरे, जो कि वूप एक्चुअली अभी खुला नहीं है पूरी तरीके से, नया है, अभी 2 हफ्ते पहले ही खुला है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाउंस, जो घर के पास है, एंड सारे रेडी हो गए हैं। साहिबा भी रेडी हो गई है एंड डियारा भी रेडी हो गई है। ये ये ट्रैम्पोलिन पार्क, इतनी एक्साइटेड है ना डियारा और हम लोग भी यार। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्रैम्पोलिन पे अपना मतलब ऐसे जंप करूँगा, मैंने कभी किया नहीं है, बट देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है, होपफुली अच्छा ही रहेगा। एंड मोनी भी रेडी हो गई है। मोनी तो भाई फुल शॉर्ट्स शॉर्ट्स पहन के जा रही है, मुझे लग रहा है सबसे कूदा फांदी यही करने वाली है मोनी का, है मोनी? हाँ। सो चलो अभी निकलते हैं फटाक से, और अभी हम लोग नहीं जा रहे, साथ में जो साहिबा दी की फ्रेंड्स वगैरह है, पूनम भाभी वगैरह, वो सब जा रहे हैं उनके बच्चे, तो मतलब एक प्रॉपर ग्रुप जा रहा है। सो बहुत ही मजा आने वाला है। जो गाइज आ गए गाड़ी के अंदर एंड निकल पड़े हैं ट्रैम्पोलिन पार्क के लिए, एंड ये मेरा 5वां टेक है, क्योंकि ये जो है ना ये गाड़ी तो चला रहे पर मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। ये रहे ना पीछे, ये रहे आगे। ओ हो, एक तो इसको पीछे कहाँ है बता? वो रे पीछे, वो रे पीछे, पीछे जो गाड़ी आ रही है जो आपको दिख नहीं रही होगी वो है साहिबा के दोस्तों की। तो साहिबा इस चीज से एक्साइटेड है कि इसके दोस्त लोग आ रहे हैं। मैं कह रही साथ साथ चल रहे हैं। अरे साथ साथ चलो, उनसे बोल के बिल्कुल बगल में लगा दे गाड़ी, ऐसे शीशे से बात कर लेंगे एक दूसरे से। सो चलो चलते हैं। एंड जीजू ने बोला है कि गाना चलाओ जो कि फील आ जाए ट्रैम्पोलिन पार्क की। सो मोनिका जो है गाना प्ले करने वाली है। सो गाइस पहुंच गए इन्फिनिटी मॉल, यहीं पे है ना मलाड, इन्फिनिटी मॉल मलाड। यहाँ पे बहुत सारे इन्फिनिटी मॉल है, ये बॉम्बे बड़ा है ना इसलिए। एंड यार यहाँ पे लाइटनिंग कंडीशन बढ़िया है तो यार वीडियो भी बढ़िया आएगी। बट ये है कि माइक अलाउड नहीं है, तो इसने माइक निकाल दिया है, तो गोप्रो की उससे ही मैं कर रहा हूँ शूट। सो देखते हैं, चलते हैं अब ट्रैम्पोलिन पार्क की तरफ। किधर है? फर्स्ट फ्लोर पे। सो गाइस आप ये देखो कि ये पूरा ऊपर का फ्लोर जो है ना सारा अम्यूजमेंट पार्क टाइप का बना हुआ है, रोलर कोस्टर एंड ऑल। सो यहीं पे है हमारा बाउंस भी। ओ वाओ सी, सो ये वाला जो रोलर कोस्टर है ना यार, ये तो मैं ज़रूर करूँगा। तो ये पूरा जो है मॉल का पूरा राउंड है यहाँ से वहाँ तक, बहुत ही सही है यार। सो गाइज अभी का सीन ऐसा है कि हमने बुकिंग करा दिया, हमें 6 बजे का स्लॉट मिला है, तो अभी जो है 1 घंटा है हमारे पास। सो हम प्लान कर रहे हैं, जो मैंने वो रोलर कोस्टर दिखाया था उस पर जाने का, तो चलो रोलर कोस्टर पर चलते हैं एंड उसकी राइड लेंगे। यार भाई आज एक्शन कैमरा का असली यूज़ होगा आज। तो चलो चलते हैं रोलर कोस्टर दिखाते हैं आपको। सो सुनील भैया ने कार्ड बनवा लिया है एंड यार वी आर एक्साइटेड। सुनील भैया फर्स्ट टाइम जा रहे हो क्या? नहीं नहीं मैं तो जा चुका पहले। अच्छा पहले जा चुके हैं, हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। चलो लेट्स गो, देखते हैं कैसा रहता है। सो गाइस बैठ गए रोलर कोस्टर में यार, ये स्टार्ट होने वाला है थोड़ी ही देर में। मोनी डर लग रहा है? हाँ यार। लग रहा है डर? हाँ। भाई डर तो लग रहा है वैसे यार। और यहाँ आगे सारे बैठ गए हमारे साथ। साहिबा यार मजा आ जाएगा भाई, एक्शन कैमरा का ना ये बड़ा फायदा है। बहुत ही फन है यार, बहुत अल्टीमेट।
सो एक बार फिर वो रोल आने वाला है यार एक नंबर है ना यार, आंखें बंद करके गाइस बहुत अल्टीमेट फन था यार। यार बहुत ही ये मैं हमारे को ऐसे एक्सप्रेशन आया ना मेरे मम्मी का भी एकदम टेस्ट है इस वाले। सो गाइस नाउ इट्स टाइम फॉर ट्रैम्पोलिन, लेट्स गो एंड रॉक एंड रोल। सो अभी आ गए हैं ट्रैम्पोलिन पार्क में क्योंकि हमारा टाइम हो गया है स्लॉट का। सो अब यहाँ पे धमाल कर जाएंगे है ना। सबका फर्स्ट टाइम है ना, फिर तो बहुत ही मजा आने वाला है। सो वी गॉट आवर सॉक्स, तो यहाँ पे कैसा है कि हम इनके ही सॉक्स दिए होते हैं, इसमें कुछ ऐसा ग्रिप होता है तो बड़े कलरफुल से हैं। चलो रेडी होते हैं, सबकी सेम सॉक्स आ गई है, चले एक और
बारी, एक और बारी जल्दी से। बहुत ही ज़्यादा फन था, बहुत ज़्यादा है जीजू। सुनील भैया आपको भी आना चाहिए था यार, अगली बार जरूर, अगली बार। गोल को भी आना चाहिए था, हाँ यार अगली बार हम नहीं आएंगे। ये देखो ये पड़ गए हैं थक हार के सारे। तो अभी का प्लान ऐसा है कि सारे इतने थके हुए और सबको इतनी ज़बरदस्त भूख लग रही है कि सारे जो हैं जा रहे हैं खाने। चले आप नहीं जा रहे? क्यों जा रहे हो? चलाया, मज़ा आया? बहुत आया। इट वॉज फन राइट? नेक्स्ट टाइम आल्सो ना, नेक्स्ट टाइम मेरा भी कैमरा आ जाएगा। सो वी हैव अ न्यू ब्लॉगर। हाँ सही है सही है। तो यार बहुत ही अल्टीमेट फन था। सो अभी चल रहे हैं खाने और सुनील भैया ने रिकमेंड किया है। सुनील भैया कहाँ जा रहे हैं? कैफे सफर, मतलब ये इसकी फेवरेट जगह है। ये सफर जो है ना, ये सफर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मेरी फेवरेट जगह है ये, ओशिवारा में है कैफे सफर। यहाँ का जो स्पेशलिटी है वो चिकन है। बस ये इन्होंने बस चिकन बोल दिया तो अब हम चल ही रहे हैं। चलो सो गाइस आ गए गाड़ी में, अब जा रहे खाने। सबको भयंकर भूख लगी है। मोनी भूख लग रही है ना? दियारा, दियारा का फर्स्ट टाइम था मॉल में, कैसा लगा दियारा को? अच्छा लगा। और आपने ट्रैम्पोलिन में मस्ती करी? हाँ, बहुत मस्ती करी। अरे वाह। सो गाइस इतना मजा आया, दियारा ने भी खूब मस्ती करी है। यार हम लोगों ने तो भाई आपने देखा ही ना, क्या मस्त कूदा फांदी करी है। रात को पता चलेगा जब ये दर्द होगा ना भयंकर वाला, तब पता चलेगा। सो फिलहाल अभी निकलते हैं कुछ खाने, डिनर करने, और 8:15 बज चुके हैं, रात हो चुका है हम लोग। हाँ और क्या, हम 4 बजे निकले थे वहाँ से, घर से 4 घंटे हो गए हमको बाहर निकले हुए। एंड यार इट वॉज फन डे यार। वो रोलर कोस्टर तो यार स्टार्टिंग इतनी बढ़िया हुई रोलर कोस्टर की, एंड बाद में तो ट्रैम्पोलिन पार्क में तो यार मज़ा ही आ गया। एंड सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा फ्री फॉल, जो आपने ऐसे करके कूदा था ना भाई, बेस्ट पार्ट है यार वो, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं। यहाँ पार्किंग हो रही है, भयंकर भीड़ है भाई, पार्किंग की जगह ही नहीं है। दो तरीके, ग्रीन एंड रेड एंड रोटी, यार देखने में तो बहुत सही लग रहा है। अभी हम लोग का मेन कोर्स हो गया है, अभी हम लोग डेजर्ट मंगवा लिए। आगे है फालूदा, ये देखो इतना बड़ा ग्लास है। मैं अच्छे से दिखा रही हूँ, इतना बड़ा ग्लास है और ये मेरा खुद का है। सब लोग ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे चाय पड़ा है जो कि खत्म हो गया है। मैं खा गया हूँ चाय, वो भी खत्म हो गया है, वो भी खत्म हो गया। और अभी हम बाद में मिलते हैं, बाय गाइस। मस्त खा के आ गए हैं। पूनम भाभी थैंक यू, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सुनील भैया ये रिकमेंड करने के लिए, बहुत अच्छा था भाई, बहुत सही एकदम। ओ सॉरी, बहुत मतलब इतना कूदा फांदी के बाद इतना अच्छा खाना मिलना ना भाई, सोने पे सुहागा होता है। एक तो इतनी मस्ती, ऊपर से सब एकदम पेट भर के खाना खाया। सो अभी चलो फिलहाल चलते हैं घर की तरफ। एंड यार पैर ना अब दर्द हो रहे हैं, उस टाइम तो नहीं पता चला था जब खेल के आए थे, बट अभी तो यार भाई बहुत बहुत ही दर्द हो रहे हैं पैर। अब घर जाना है, बिल्कुल नींद आ रही है भयंकर वाली। अरे ये दियारा के लिए क्या आया है? ठीक है, क्या है दियारा? दियारा के बर्थडे गिफ्ट आया है। हाँ। किसने भेजा है? ये भाई का बुआ। अच्छा, क्या है बर्थडे गिफ्ट में? बर्थडे गिफ्ट में है
सो गाइस डियारा के तो गिफ्ट आए जा रहे हैं, उसका बर्थडे निकला है ना, तो अभी उसकी बुआ ने भी गिफ्ट दिया है, तो भाई खोल के बैठ गए, पूरी मेकअप किट भेजी है उन्होंने बच्चों वाली। सो गाइस आज आपने देखा कितना ज़्यादा मस्ती वाला दिन था, मतलब यार ट्रैम्पोलिन पार्क तो भाई अलग ही लेवल है भाई। मैं दोबारा आके, मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रह गई हैं करनी, तो वो जब वापस आएंगे तो एक बार फिर करेंगे। एंड रोलर कोस्टर तो आपने देखा ही था भाई, उसमें तो फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे हो गए थे, इतनी हंसी आ रही थी देख के बाद में। बट फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि बहुत रात हो गई है, अभी 11:30 बजने वाले हैं। आप देखो पीछे, अब मोनिका देखो, सब इतने थके हुए हैं ना ट्रैम्पोलिन पार्क के लिए। सो अभी चलते हैं, इसको एंड करते हैं वीडियो को, क्योंकि अभी एडिटिंग करने भी बैठना है। एंड आज इतना शूट हुआ है भाई साहब, इतना भयंकर, अभी तो मुझे एक एक करके फाइल्स निकालनी है इसके अंदर से। और आज पूरा दिन, आज तो फ़ोन यूज़ ही नहीं हुआ है शूट में, पूरा गोप्रो से ही शूट हुआ है आज, तो देखते हैं कैसे जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सो विद दैट सेड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टाटा।